ला 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 ला। सो आ गए एक और बार गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। एंड यहाँ पर गाइस आप लोग को थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा, हमारी स्किन थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। सो उसका रीज़न ये है गाइस कि मैंने गाइस स्किन एडिट करी अपनी खुद से। एंड भाई खुद से मैंने कुछ ये बनाया है एंड होपफुली आप लोग को ये पसंद आएगी स्किन। एंड भाई इसे बनाने में गाइस मुझे बहुत टाइम लगा बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो स्किन एडिटर। सो गाइस ये बनाया मैंने एंड पीछे से भी देख लो कैसी है। सो गाइस मुझे तो गाइस काफ़ी पसंद आई, आप लोग को बताना यार कैसी लगी। सो अब मैं सबसे पहले तो आर्मर पहन लेता हूँ बिकॉज यहाँ पर गाइस बिल्कुल भी अच्छी चीज़ें नहीं है। सो यहाँ पर गाइस आप लोग को दिख रहा होगा हम वापस अपने ट्रेडिंग हॉल में आ चुके हैं एंड यहाँ पर मेरा कुछ प्लान है फ्यूचर के लिए। सो गाइस वो प्लान रिवील करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, यार जो भी चैनल पर नया आया सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताया करो यार कैसी लग रही है वीडियो। सो रिस्पांस आजकल वीडियो पे अच्छा नहीं आ रहा है बट फिर क्या करें आप लोग भाई, कर दिया करो रिस्पांस। एंड यहाँ पर हमारा गाइस एक जोम्बी चीचा थे वो अब मर चुके हैं, उनके साथ गलत सीन हो चुके हैं। सो मर चुके हैं, उनके बाद उन्हें कोई याद नहीं करेगा, बिल्कुल कुछ नहीं होता। सो गाइस यहाँ पर गाइस हमारे पास मेनली ये ट्रेडिंग हॉल बनाया गया था रॉटन फ्लैश ट्रेड करने के लिए एंड कैरेट्स ट्रेड करने के लिए, गोल्डन कैरेट्स मेनली ये फंक्शन था इस ट्रेडिंग हॉल का। बट अब मेरे पास आइडिया है बिकॉज गाइस सर्वर में एक भी मतलब शॉप नहीं है विलेजर से रिलेटेड। सो यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं भाई एंड ये आइडिया फ्लॉप हो सकता है बिकॉज अगर कोई भी यहाँ पे वोल्ट की वीडियोस देखता है तो उसने अभी रिवील करा है कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। बट गाइस मैं श्योरली बता रहा हूँ ये प्लान मेरा उससे पहले का है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क भी करा है। बट यार आप लोग को जो सोच रहे हैं सोचो। सो मेरा जो प्लान है वो है जैसा मैंने यहाँ पे बनाया ऐसे ही कुछ मैं सेम इधर पीछे की साइड इधर पे कहीं पे बनाऊँ। सो ऐसा कुछ मेरा प्लान है अभी तक का एंड इस वाले प्लान को हम ज़रूर से सक्सेसफुल बनाएंगे एंड अपनी शॉप को हम सबसे आगे लेके जाएंगे। सो यहाँ पर इधर मैंने कुछ वर्क करा है बिकॉज़ यहाँ पर विलेजर ब्रीडिंग में बहुत दिक्कत आती थी एंड फिर क्योर करते थे तो गाइज उसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, तो इधर लास्ट में मैंने कुछ उसका सॉल्यूशन कर लिया है। सो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं जहाँ पे मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ एंड ये वाला एरिया है मैं सबसे पहले ऊपर दिखा देता हूँ। सो ये कहाँ पर है गाइज, ये मेरा स्टार्टर हाउस है एंड यहाँ पर मैं कुछ बनाने वाला हूँ एंड इसे ऊपर से भी गाइज मैं पूरा इम्प्रूव करूँगा एंड होपफुली मैं वापस से यहीं रहने लग जाऊँ, मेरा कुछ भरोसा नहीं है। तो मैं इसे पूरा एरिया को अच्छे से इम्प्रूव करने वाला हूँ बिकॉज मुझे लगता है ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा था एंड यहाँ पर मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। सो ऑफलाइन मैंने यहाँ पर एक स्केलेटन्स फार्म बनाया, यहाँ पे एक स्केलेटन्स फार्म रहा था तो उससे मैंने एक स्केलेटन्स फार्म बना लिया है एंड यहाँ पर ये गिरते रहते हैं बट अभी नहीं गिर रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गिर रहे बट ये गिर जाते हैं कभी कभी। सो यहाँ पर ये पूरा एक ओपी सा फार्म बना चुका हूँ मैं एंड देखो गाइस ये गिरते हैं एंड मर जाते हैं एंड अपने आप सामान कलेक्ट होता रहता है। सो गाइस ये मैंने ऑटोमेटिक का इसलिए बनाया बिकॉज यहाँ पे मैं थोड़ा सा रह रहा हूँ वर्क करने के लिए एंड यहाँ पे गाइस नीचे हमारा एक और स्केलेटन स्पॉनर है एंड अब मैं ऊपर दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या था वो। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है विलेजर ब्रीडर, तो इसका अगर डिज़ाइन देखना है तो भाई शायद से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, शायद से क्या पक्का ही दे दूँगा मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जाके चेकआउट कर लेना। मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ कभी कोई ज़ॉम्बीज या तो कुछ गिर जाए एंड बस यही था यहाँ पर। तो एंड अब इधर की साइड गाइस इसमें एक बार में 6 बेबीज या तो 6 विलेजर्स ब्रीड हो सकते हैं एंड गाइस 6 आई थिंक अपने लिए इनफ है एंड जैसे ही हम इसे 70 या तो 80 ब्लॉक्स दूर लेके जाएंगे इसे जो कि अपने उधर की साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे और ब्रीड होना शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये गाइस अपना वर्कर है एंड इसे मैंने नेम नहीं दिया बिकॉज मैं नेम टैग लाना भूल गया था, बस मैंने अपनी एक डायमंड की पिकैक्स पकड़ा दिया इसे जिससे कि ये डिस्पॉन नहीं होएगा। सो अब मुझे कुछ ऐसा बनाना है यहाँ पे कॉन्ट्रैप्शन वगैरह, बट कोई नहीं बोलेगा मैं रेडस्टोन में नूब हूँ, कोई नहीं बोलेगा, कमेंट तो भाई कोई करेगा ही नहीं कि मैं बिल्कुल नूब। हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर हम इसे कहीं ऐसी जगह डाल दें इस वाले को कि हमें जब मैं यहाँ से विलेजर्स को निकालूँ, वैसे ऐसा है यहाँ पर अगर इसके अंदर माइन कार्ड्स हैं, अगर मैं ये वाला बटन दबाता हूँ, ये वाला जो है ये वाला तो ये वाले बटन को दबाते ही यहाँ पे एक माइन कार्ट लॉन्च होएगी एंड उससे एक विलेजर इनमें से उसके अंदर बैठ जाएगा। सो ऐसा कुछ मुझे करना है कि ये वाला जो जॉम्बी है ये विलेजर बैठ के यहाँ पर रुके कहीं एंड यहाँ पर मेरा ये जॉम्बी हो एंड देन जब ये क्योर हो जाए मैं इसे यहाँ से मूव कर रहा हूँ एंड सीधा इसे लेके जाऊँ अपने बेस पे। तो ऐसा कुछ मुझे बनाना है। सो मैं रेडस्टोन में बिल्कुल नूब हूँ एंड सो गाइस आई हैव मेड
a little bit of progress. So guys, this is the contraption and I have laid down the tracks. अभी मुझे एक और सेट ऑफ ट्रैक्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे, जिससे कि चंक्स भी तो लोड होने चाहिए ना, जहाँ पर ये बंदा या तो विलेजर जाएगा ऐसे करके यहाँ से जाएगा, एंड यहाँ पर जैसे जैसे जाएगा वो चंक्स भी लोड होने चाहिए, सो मुझे भी उसके साथ साथ जाना पड़ेगा, तो एक और ट्रैक मुझे यहाँ से डालना पड़ेगा, सो वो भी डालेंगे हम. एंड यहाँ पर गाइस जो रेडस्टोन था वो मैंने बहुत ही सिंपल सा करा है, जस्ट समझा देता हूँ. सो गाइस यहाँ पर इसके अंदर है, अरे मेरे पास सिल्क टच का कुछ नहीं होगा, नहीं है भाई, ग्लास की बर्बाद कर रहा हूँ. अरे यार, इधर से हम इधर तक डाल देते हैं. तो अब हम लोग भी उधर नहीं जा सकते हैं, विलेजर भी इधर नहीं आ सकता है, क्योंकि जब वो ये उसे हिट करेगा तब वो मतलब देयर इज अ चांस कि वो विलेजर माइनकार्ट से निकल जाए. सो वापस से वो इधर उधर कहीं ना जा सके, वापस से माइनकार्ट में बैठे, तो हमें इसे ब्लॉक ऑफ करना पड़ेगा एरिया को. एंड अब जैसे ही हम यहाँ से दबाएंगे, अभी मेरे पास गोल्डन एप्पल्स तो मैं लाया हूँ, बट मैं पोशन नहीं लाया हूँ, सो इस वजह से मैं अभी आप लोग को लाइव एग्जांपल तो नहीं दे सकता, बिकॉज गोल्डन एप्पल या पोशन नहीं है. सो मैं यहाँ पर एक बार ट्रैक्स ले करता हुआ जाता हूँ. एंड इतना सब कुछ हो चुका है, सो अब ये जो बाकी का काम है ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सिंपल सा रेडस्टोन डाला है, एंड बाकी का काम मैं सारा ऑफलाइन कर. आहा, वी आर फाइनली हियर गाइस, एंड मैं यहाँ पर आ चुका हूँ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में. एंड ये करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लिटरली ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. तो हम लोग शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, एंड ये मेरा कैरेक्टर इतना ओपी लग रहा है ना मुझे. एंड आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना यार, आप लोग को कैसी लगी मेरी स्किन. एंड अब जब शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में आया तो सबसे पहला काम तो हमारा रहेगा अपने शॉप्स के प्रॉफिट्स चेक करना, एंड अपनी शॉप को तो मैं एक्सेस कर नहीं सकता, एज मेरे पास एलाइट्रा नहीं है, बट मेरे पास उसका सॉल्यूशन है आज, बिकॉज मैं एलाइट्रा खरीदने वाला हूँ. सबसे पहले तो डायमंड का ना मतलब अपना आर पहन लेता सबसे पहले तो. एंड यहाँ से मेरी एक शॉप इधर है कहीं पर, इधर किधर है मेरी शॉप, मेरी शॉप मिल गई, एंड ये रही मेरी शॉप. सो यहाँ पर गई मेरी शॉप तोड़ दी गई है, बिकॉज मेरी शॉप बस एक छोटा सा डब्बा था, उसमें मैंने मतलब डायमंड सेल कर रहा था, मैं डायमंड से स्लाइम सेल कर रहा था. तो दो डायमंड यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है, इसे लेके चलते हैं. एज यहाँ पर मैं कुछ बड़ा बनाऊंगा, ये तो बहुत छोटा सा डब्बा सा था, तो इसे हम ऐसा नहीं रखने वाले. सो अब चलते हैं अपनी दूसरी शॉप, बट उससे पहले हम थोड़ी सी हम भी तो कुछ बाय कर लें, बिकॉज शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में आया तो मैं डायमंड्स का काफ़ी सारे लेकर आया हूँ, एंड अपने साथ बाय करने के लिए आया हूँ. सो भाई अब से मैं एक मतलब काउंट करने वाला हूँ कि कितने डायमंड्स मैं खर्च कर रहा हूँ शॉप्स में, एंड कितने डायमंड्स मुझे प्रॉफिट हो रहा है. सो उसके लिए सबसे पहले तो आज यहाँ पे होपफुली एंडर चेस्ट हो, सो एंडर चेस्ट है यहाँ पर, एंड 53 डायमंड्स है मेरे पास टोटल, एंड इसमें से दो डायमंड्स का इस मेरे मतलब मेरे प्रॉफिट के हैं. सो प्रॉफिट के मैं आज एमरल्ड से दिखा रहा हूँ, एंड मैं टोटल 51 डायमंड्स अपने खुद के लाया था. सो 30 डायमंड फॉर वन एलाइट्रा, एंड ये नॉन मेंबरशिप वाले हैं ना, हाँ यहाँ से मैं एक एलाइट्रा ले लेता हूँ, एंड 30 डायमंड्स रख देते हैं भाई के, 30 डायमंड्स रख देते हैं. एंड रॉकेट्स मुझे ख़रीदने नहीं है, बिकॉज रॉकेट्स मेरे पास हैं, तो रॉकेट्स निकाल लेते हैं, बिकॉज मैं लेकर आया हूँ बहुत सारे रॉकेट्स, मैं रॉकेट्स लेके आया हूँ रे बाबा. तो मेरे पास ये रॉकेट्स रहते हैं, रॉकेट्स वाला डब्बा है. सो गाइस हमने एलाइट्रा बाय कर लिया, एंड अब अपनी दूसरी शॉप की तरफ चलते हैं, वहाँ पर से भी हमें प्रॉफिट्स कलेक्ट करने हैं ना, एज डायमंड्स भाई जितने ज़्यादा मिल जाए उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो अपनी दूसरी शॉप वो रही ऊपर आसमान में, वो ये तो देख ही चुकी होगी. सो ऐसे चलते हैं थर्ड पर्सन में, ये बिल्कुल ओपी तरीके से ऐसे 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 ये हम रह गए. सो अब चलते हैं सीधा ऊपर, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा, बूम, एंड चलते हैं. सो गाइस वी आर हेयर, एंड देखते हैं यार, मुझे पता नहीं है लिटरली मैंने कितने डायमंड्स की सेल करी होगी, एंड मुझे भाई मैं 3 डायमंड्स गाइस इधर रख रहा हूँ, ये मतलब 30 डायमंड्स को डिपिक्ट कर रहा है कि मैंने 30 डायमंड्स अभी तक स्पेंड कर दिया है, एंड 2 डायमंड्स की मुझे प्रॉफिट हुआ है. सो अब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ, वाओ 9 डायमंड्स का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है,
एंड होपफुली मैं थोड़ा बहुत रीस्टॉकिंग के लिए सामान लाया हूँ। एंड दो डायमंड्स का हमारे पास यहाँ पर 11 डायमंड्स का और प्रॉफिट हुआ, इधर रखते हैं। एंड और हुआ क्या कुछ? यप गाइस, गोल्डन कैरेट्स आर एक्चुअली सेलिंग। सो टोटल हमारा प्रॉफिट 19 डायमंड्स का तो इस वाली शॉप से हो गया है एंड 2 डायमंड्स का दूसरी शॉप से हो चुका है। सो मेरे पास टोटल 21 डायमंड्स का प्रॉफिट हो चुका है। अरे 21 इतने डायमंड्स का मेरे पास प्रॉफिट हो चुका है एंड अभी तक मैंने 30 डायमंड स्पेंड कर दिया। सो होपफुली मैं लाया हूँ गोल्डन कैरेट्स एंड और है क्या? यप, मैं थोड़ी सी गोल्डन कैरेट्स लेकर आया हूँ रीस्टॉकिंग के लिए। तो गाइस अभी भी ये कम्प्लीटली मतलब स्टॉक इन नहीं है, मैं इसे घर पे जाऊंगा, थोड़ी सी गोल्डन कैरेट्स बाय करूंगा एंड ऑल। एंड ये शायद से क्लाउड है, वाओ मेरी क्लाउड के पास है शॉप। ओपी 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 ओपी। सो मैं घर पे जाऊंगा एंड थोड़े से रीस्टॉक मतलब सामान लेकर आऊंगा एंड रीस्टॉक करूंगा। सो गाइस अब हमारे पास आज एलाइट्रा आ चुके हैं, सो हम उड़ते हुए मस्त अपना आउटरो कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ तक जिसने वीडियो देखी है सो उसका पहले तो यार बहुत बहुत थैंक यू। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई, मेरी वीडियो कौन देखता है यहाँ तक? मेरी वीडियो कौन देखता है? मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा दिखता है। एंड जो भी दिखता है भाई कमेंट कर देना भाई #Elytra जो भी यहाँ तक देखता है। सो मुझे पता चल जाएगा कि किसने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है। एंड भाई जिसने भी देखी होगी ना उसे उसके लिए भाई मैं अपने बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज भाई कोई नहीं देखता मेरी वीडियो इतनी लंबी। सो थैंक्स टू ऑल जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।